के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीस किलो प्रतिबंधित चाइना मांझा के साथ पुलिस ने एक पतंग कारोबारी को दबोचा। उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में हुए भूस्खलन को लेकर काशी में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन। बीएचयू में सुफलाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ, शामिल हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। और सब जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर संपन्न हुआ जिला स्तरीय चैन ट्रायल। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में सुफलाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुफलाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शनिवार को शुभारंभ हुआ। 3 दिन के इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। श्री शाही ने इस अवसर पर कहा कि यूपी में खेती बाड़ी काफी चैलेंजिंग हो गई है। जीवन का अस्तित्व 5 तत्वों क्षति जल पावक गगन समीरा से ही है। आज जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वी और जल को ही हुआ है। क्रॉप पैटर्न में हमने गेहूं और गन्ना अपना लिया, ये सबसे ज्यादा पानी सोखने वाले फसल हैं। 10 से 15 साल से लगातार हम इन फसलों को लगा रहे हैं, इसकी वजह से धरती का जलस्तर घट गया। बीएचयू में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यूपी में आ रही खेती बाड़ी की चुनौतियों को वैज्ञानिकों से शेयर किया। अब बारी आई केमिकल फर्टिलाइजर की, इसकी वजह से पूरी की पूरी मिट्टी की खेती लायक नहीं बची। पहले सपा के कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव ने एसीटीएन टैक्स लगा रखा था, अब आए सरकार में और 350 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। उसके बाद देखा गया कि यूरिया की खपत 2 लाख टन बढ़ गई। जब मिट्टी की जांच की गई तो पता चला कि हमारी मिट्टी काफी प्रदूषित हो चुकी है। कृषि मंत्री ने कहा कि खेती के लिए मिट्टी में जैविक कार्बन का मान 0.808% से 0.5% तक होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ की मिट्टी में जैविक कार्बन की वैल्यू 28 से लेकर 3% तक आ गई। मिट्टी में जैविक कार्बन की वैल्यू बेहद खराब। खेती के लिए मिट्टी में जैविक कार्बन का मान 0.808% से 0.5% तक होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ की मिट्टी में जैविक कार्बन की वैल्यू 28 से लेकर 3% तक आ गई। सरकार विदेशों से 3.50 लाख करोड़ रुपए की ज्यादा DAVP उर्वरक आयात करने में खर्च कर रही है। हम इसे 3600 रुपये प्रति टन मंगा रहे हैं, मगर महज 1300 रुपये प्रति टन बेच रहे। दाल 25,000 करोड़ का आयात कर रहे हैं। खाने का तेल 1,25,000 करोड़ का आयात हो रहा है। देश को केमिकल फर्टिलाइजर से काफी क्षति हो रही है। हम ज्यादा लाभ लेने के चक्कर में खुद की मिट्टी को तबाह कर रहे हैं। इस अवसर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सुफलाम में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अवलोकन भी किया। पंच तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से पृथ्वी संरचना का जो मौलिक स्वरूप है, उस स्वरूप को हम संरक्षित करते हुए और पृथ्वी से जो विविधता और जैव विविधता है उसको हम संरक्षित कर सकें, और खेती के क्षेत्र में लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी प्रकृति भी विषयुक्त हो रही है, उससे उसको संरक्षित करके पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके, उस दिशा में यह एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय भाऊराव देवर्षि न्यास, किसान संघ, भारतीय किसान संघ, लोक भारती और ICR कृषि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विविध संगठनों के द्वारा यह आयोजित किया गया है। और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण 3 दिवसीय जो संगोष्ठी है, कार्यशाला है, यह अपने बहुत इसके माध्यम से समाज के भीतर जागरूक करने में यह सफल होगी और इसके पूर्वगामी भविष्य में परिणाम आएंगे। श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का 723वां जयंती महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्री राम मंदिर गुरुधाम में सप्ताहव्यापी श्री भक्तमाल कथा विद्वत गोष्ठी सम्मेलन व विविध आयोजन होंगे।
राम भक्ति के अग्रदूत श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के 723वें जयंती महोत्सव के अवसर पर श्री राम मंदिर गुरुधाम वाराणसी श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद एवं वैष्णव विरक्त संत समाज काशी के संयुक्त तत्वाधान में 8 से 14 जनवरी तक सप्ताह व्यापी श्री भक्तमाल कथा विद्वत गोष्ठी सम्मेलन व विविध आयोजन दोपहर 1 से 4 बजे तक गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में किया गया है। समापन अवसर 14 जनवरी को मध्य शोभा यात्रा 80 से निकाली जाएगी। उक्त जानकारी कथा व्यास स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी महाराज गुरुवार को गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 800 वर्ष पहले भारतीय संस्कृति आपस में मत मतांतरों जाति पाति के भेदभाव निराकार और साकार जैसी विषयों के उहापोहों में जर्जर होती जा रही है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म के लोग आपस में ही एक दूसरे को हीन भावना से देखते हुए उन्हें एक दूसरे से दूर कर रहे थे। इन सारी परिस्थितियों के कारण हमारा भारतवर्ष आंतरिक दृष्टि से विश्व की क्षितिज में कमजोर होता जा रहा था। इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच स्वयं प्रभु राम ने रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतार लेकर सदगुरु श्री कबीर सत शिरोमणि श्री रविदास सेन मगध धन्ना जाट सत पीपा जैसे विभिन्न जातियों के महापुरुषों को अपना शिष्य बनाकर सनातन वैदिक हिंदू धर्म को एकजुट कर भारत को सशक्त व संपन्न बनाया। ऐसे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जयंती काशी में उनकी गरिमा के अनुरूप मनाई जानी चाहिए। इसी उद्देश्य को हृदयंगम कर सप्त दिवसीय स्वामी श्री रामानंद जयंती का समायोजन रखा गया है, जिसमें सभी हिंदू संप्रदाय के आचार्यों विभिन्न मत मतांतरों के उपासकों के सम्मेलनों का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें संत सम्मेलन कवि सम्मेलन विद्वत सम्मेलन आदि का आयोजन होगा। इसमें काशी के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों समेत विभिन्न विषयों के मूर्धन्य विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया है। विदेशियों का भी सम्मेलन समायोजित है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती का समायोजन 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक हम समायोजित कर रहे हैं, और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का पदार्पण हो रहा है, और जिसमें विभिन्न अयोध्या से मथुरा से वृंदावन से हरिद्वार आदि से बड़े शीर्षस्थ विद्वान लोग इसमें पधार रहे हैं। और इस कार्यक्रम में भक्तमाल का कथा का समायोजन किया गया है, जो 8 तारीख से 14 तारीख तक भक्तमाल की कथा चलेगी, जिसमें जो भगवान के विशिष्ट भक्त हैं उन भक्तों का चरित्र गायन होगा, और बीच बीच में राम कथा आदि का भी पाठ होगा, और विद्वत गोष्ठी संत सम्मेलन विदुषी सम्मेलन आदि के भी समायोजन इसमें आयोजित हैं। और 14 तारीख को बड़ी धूमधाम के साथ में एक नगर शोभा यात्रा जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की निकाली जाएगी, जिसमें रविदास पंथी कबीर पंथी और गुरु नानक साहब जी के भी और हमारे सनातन धर्म के सभी वर्ण सभी जातियों के लोग बड़े उत्साह के साथ में भाग लेंगे। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा दीवार पर लगे देवी देवता वाले टाइल्स को हटवाया गया। उन्होंने कहा कि दीवार पर लोग गंदगी कर देवी देवता का अपमान करते हैं। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के कार्यालय प्रभारी एवं महानगर उपाध्यक्ष रुद्रप्रताप पांडे के नेतृत्व में शनिवार को भूत नखास लोहटिया स्थित भैरव मंदिर की गली में दिवाली पर टाइल्स वाली देवी देवता की प्रतिमा लगी हुई थी। वहां स्थिति ये थी कि हर आता जाता राहगीर उस प्रतिमा पर पान खाकर थूकते थे। इसके अलावा आसपास के अन्य क्षेत्र कबूतर गली में भी फोटो लगी थी। उत्साही साथियों के साथ उस प्रतिमा को हटाया गया, जिससे हमारी धार्मिक आस्था को आहत पहुंच रहा था, और आसपास के लोगों को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन के साथ धार्मिक आस्था के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी लखन शर्मा पापे, आचार्य देवेश मिश्रा, अमिताभ सिंह, निखिल गुप्ता, जतिन सिंह, नखड़ू सेठ, अशोक यादव एवं मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता सहित अनेक सहयोगी साथी उपस्थित रहे। सभी लोग मिलकर जो है बाबा भूत भैरवनाथ लोहटिया में नखास पर जो है गली में दीवार पे लोग जो देवी देवता का चित्र लगाए थे टाइल्स वाला, इसको हम लोगों ने निकालने का कार्य किया है। यही नहीं, बाबा भूत भैरवनाथ क्षेत्र में विभिन्न कई गलियों में भी लगा था, जैसे कबूतर गली में लगा था, काशीपुरा वहाँ पर भी हम लोगों ने निकाला है। और ये बड़ा शर्मनाक विषय है भैया, और कि मतलब जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं उसको जो है गली में और एकदम नाले के पास लगा दे रहे हैं, और हम लोगों ने लोगों व्यक्ति के भवन के पास लगा था, तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करते हैं या क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? कार्रवाई नहीं की है, उनसे आग्रह किए हैं, निवेदन किए कि ये आपने बहुत गलत काम किया। कुछ लोग तो मतलब कि हम निकालने गए तो विरोध करने लगे,
लेकिन फिर हमने कहा कि इससे हमारी धार्मिक आस्था को आहत पहुँच रहा है और आप भी हिंदू हैं और ये गलत कार्य है, तो फिर वो चुप हो गए। फिर हम लोगों ने उसको निकाल दिया और उनसे कहा कि इससे अब दोबारा न लगे। काशी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में अब तक लक्ष्य का 61% धान खरीदा जा चुका है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि रबी अभियान उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होता है। देश में रबी का 22% उत्पाद यूपी में होता है। राज्य में हम लोग उन्नतशील बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी तक 50 लाख किसानों को यह दे दिया गया है। राज्य सरकार दलहन और तिलहन के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनाकर कुल 9.5 लाख किसानों को कीट उपलब्ध करवाई है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अमृत वर्ष में यह विशेष प्रयास है, यह हमारी इंटरवेंशन का परिणाम है। अगर सब सही रहा तो तिलहन में रिकॉर्ड उत्पाद होगा। प्रदेश में अब तक लक्ष्य का 61% धान की खरीद हो चुकी है। इस साल मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इस साल बाजरे की खरीद 18 जनपदों में करवाई है। गाजीपुर में 27.85 मैट्रिक टन बाजरा की खरीद हुई है, जिसका पैसा भी दिया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने किसानों को ऋण मोचन की सुविधा प्रदान की है। जो किसान इस योजना से छूट गए थे उनको भी अब शामिल कर दिया गया है। यूरिया की कोई कमी नहीं है। 1310 रुपए की जगह पर 2040 रुपए में धान की खरीदारी कर रही है। 8 साल में 720 रुपया से भी ज़्यादा जिसने बढ़ाया उसको वो कैसे उसकी आलोचना कर सकते हैं। जिन लोगों ने 1400 रुपये गेहूँ के दाम दिए, इस साल 2140 रुपये जो है गेहूँ की कीमतें तय की गई हैं। हमने जो है वो दाम जब पैदा हो जाता था तब तय करते थे, और योगी जी की सरकार लगाने के 2 महीना पहले घोषित कर देती है कि जिस किसान को जो ऑप्शन हो, जिसको जो फसल उसको लगाने का मन करता है, हम MSP घोषित करें, उस फसल पर जाए। तो इससे देश में एक प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है, अच्छा उत्पादन हो रहा है और खरीदारी बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। इस नाते उनको इस तरीके की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में हुए भूस्खलन को लेकर काशी में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। श्री विद्यामठ केदार घाट में अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल की ओर से 11 हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से किया गया। सबने मिलकर यह प्रार्थना की कि भगवान कृपा मूर्ति हनुमान जी ज्योतिर्मठ क्षेत्र में हो रहे भूध्वंस के कारण उत्पन्न हुई संकट की स्थिति से वहां के पौराणिक महत्व के मंदिरों आदि शंकराचार्य व तोटकाचार्य की गुफा सहित आदि शंकराचार्य की गद्दी व समस्त नगरवासियों की रक्षा हो। बता दें कि जोशीमठ की घटना से चिंतित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने अपना समस्त कार्यक्रम रद्द कर जोशीमठ पहुँच चुके हैं और पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के निर्देश पर ज्योतिर्मठ में विगत 2 दिनों से ज्योतिर्मठ में जोशीमठ वासियों के खाने व रहने का प्रबंध किया गया है और साथ ही उनके अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। हनुमान चालीसा पाठ करने वालों में साध्वी पूर्णम्बा, साध्वी शारदाम्बा, हजारी कीर्ति नारायण शुक्ल, संदीप सैनी, किशन जायसवाल, सदानंद तिवारी, अभय शंकर तिवारी आदि जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित जयंत जय शास्त्री व पंडित दीपेश दुबे के आचरण में संपन्न हुआ। आज यहाँ पर हम लोगों ने 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचक हैं, तो हम लोगों ने उन्हीं से ये प्रार्थना की कि इस समय जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र में विपत्ति आई हुई है, तो उस विपत्ति से पूरे ज्योतिर्मठ नगर की रक्षा हो, पूरे क्षेत्र की रक्षा हो, इसलिए आध्यात्मिक उत्थान मंडल की ओर से आज आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख ने 2000 कंबल का वितरण गरीबों व असहायों के बीच किया। जिले में पड़ रही ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ अब जन प्रतिनिधियों ने भी कंबल वितरण के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। बताते चले कि विकास खंड अराजी लाइन परिसर में अराजी लाइन के ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल, न्यू पावर संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप कुमार की मौजूदगी में पंचायत प्रतिनिधियों और ब्लॉक कर्मियों ने शनिवार को रेन्यू पावर गिफ्ट वार्म कैंपेन के तहत 2000 गरीबों असहायों जरूरतमंदों में निःशुल्क कंबल वितरित किया। मुख्य अतिथि अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कार्यक्रम में पहुंचकर गरीबों में कंबल वितरण किया, जिसमें ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायत के काफी ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कंबल वितरण का कार्यक्रम रेन्यू पावर गिफ्ट वार्म कैंपेन के तहत किया गया है। ठंड को देखते हुए सभी ग्रामीणों में कंबल वितरण किया गया है। खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल ने इस पूरी कार्य की सराहना की।
इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, वीडियो विजय जायसवाल, एडीओ एसके प्रमोद कुमार, संदीप कुमार, मोहम्मद अनवर, राजकुमार गुप्ता, संजीव आदि लोग उपस्थित थे। ठंड को देखते हुए आराजी लाइन्स ब्लॉक मुख्यालय के तमाम ग्राम पंचायतों से क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से गरीब असहाय लोगों का सूची बनवा करके कंबल मंगवाया गया और इनको वितरित करने के लिए लोगों को एकत्रित किया गया है। और इसमें जो सहयोग है कंबल वितरण में, तो रेवेन्यू पावर एक नामक संस्था है जो हमारे क्षेत्र पंचायत आराजी लाइन्स के पनियरा ग्राम पंचायत में भी इनका प्रोजेक्ट चलता है, और संदीप जी हैं जो हम लोगों के वरिष्ठ सहयोगी हैं, और इनके सहयोग से हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम इस समय कर रहे हैं। और संस्था की तरफ से हमें आश्वस्त किया गया है कि जितने भी निरीह असहाय टाइप के लोग हैं इनको आप एकत्रित कराएं और ज़रूरतमंद लोगों को जितना भी ज़रूरत होगा कंबल हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और यह वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, दो गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 30 किलो प्रतिबंधित चाइना मांझा के साथ पुलिस ने एक पतंग कारोबारी को धर दबोचा। पुलिस ने शनिवार को दालमंडी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 30 किलो प्रतिबंधित मांझा बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार चौकी प्रभारी दालमंडी अजय कुमार, उप निरीक्षक अभिनव श्रीवास्तव व कांस्टेबल वीरेंद्र पाल थाना के सामने गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि गुंडीगढ़ टोला में किसी दुकान पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री की जा रही है। इस पर पुलिस सतर्कता दिखाते हुए दुकान पर पहुंची, वहां एक व्यक्ति मिला, उससे उसका नाम पता पूछा गया तो पहले तो वह घबराने लगा। उसने अपना नाम सलमान अहमद निवासी सी के 43/115 गोविंदपुरा कला चौक बताया। दुकान के आगे रखे कार्टून में काफी मात्रा में चाइनीज मांझा मिला, उससे मांझा बेचने का लाइसेंस मांगा गया तो नहीं दिखा सका। इस पर मांझा बरामद करने के साथ ही दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया। चाइनीज मांझों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, कई बार इसकी शिकायत भी हो रही है, बराबर अभियान भी चलाया जा रहा था। कमिश्नरेट पुलिस में थाना चौक की ओर से इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में टीम भी गठित की गई थी मेरे द्वारा। उस टीम ने 30 किलो 500 ग्राम चाइनीज मांझा बरामद किया है, जिसमें एक अभियुक्त सलमान पकड़ा गया है। और भी इसमें कार्रवाई की जा रही है, और भी बड़ी मात्रा में और भी अधिक मात्रा में जल्द ही शीघ्र ही चाइनीज मांझे की बरामदगी की जाएगी। जीवन दीप शिक्षण संस्थान ने धूमधाम के साथ चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह का जन्मदिवस मनाया। जीवन दीप शिक्षण संस्थान में अपने चेयरमैन का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा देते हुए कहा कि कर्तव्य निष्ठता की मिसाल सामने रखने से न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि संगठन और राष्ट्र के भी सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। इस अवसर पर उनकी पत्नी डॉक्टर अंशु सिंह, पूर्व अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल ने जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि सामाजिक सरोकार को सर्वोपरि रखना आज की पीढ़ी का दायित्व है। सोशल मीडिया के इस दौर में संबंधों में अपनापन गायब होता जा रहा है, ऐसे में आवश्यक है कि शिक्षक सामने आए और विद्यार्थियों को इस गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में शिक्षकों और विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। इस मौके पर केक काटा गया और संस्थान के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वीके सिंह ने व उपस्थित लोगों का स्वागत शैलेश त्रिवेदी ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, रजिस्ट्रार नंदलाल यादव, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अवंतिका सिंह, आकांक्षा सिंह, डॉक्टर नंदा द्विवेदी, डॉक्टर वीणा पांडे, डॉक्टर दल सिंगार प्रजापति, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर नम्रता चौबे, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर रवीश कुमार, विक्रम प्रताप सिंह, डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर वीके सिंह, सीवीएन के डी सहित संस्था के सभी शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे। अशोका इंस्टीट्यूट का 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें शामिल हुए यूपी के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल।
अशोका इंस्टीट्यूट का सातवां दीक्षांत समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए यूपी के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के लोग कितने अनुशासित हैं। खुद अनुशासन में रहे और अनुशासन का पालन को प्राथमिकता दें। दिखावे से दूर रहते हुए हर किसी को अपने समकक्ष समझें। उन्होंने यह कहा कि सामाजिक मूल्यों की नींव शिक्षण संस्थान में डाली जाती है। जिस शिक्षण संस्थान में मानवीय सरोकारों को अहमियत मिलती है, वहां बच्चे देश दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने राजदीप सिंह, अंजलि श्रीवास्तव, आस्था कृतिका बर्नवाल, नीरज वर्मा, अंताजलि यादव, सौरभ सिंह और वैष्णवी सिंह को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। ज्योति विश्वकर्मा, जागृति गुप्ता, आर एन यादव, अमृषा शाडिल्य, अकबर शिको, आकांक्षा यादव, संजीव यादव और काजल शर्मा को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। इनके अलावा आकांक्षा पांडे, शिवानी गुप्ता, विनीत यादव, आकांक्षा सिंह, किशन चौरसिया, अभिनव पांडे, चेतन शर्मा, शालिनी प्रिया को ब्रांच मेडल दिया गया। अशोका इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की उपलब्धियों को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि आशीष पटेल को संस्थापक अशोका मौर्य ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। धन्यवाद ज्ञापन अशोका स्कूल ऑफ बिजनेस के निदेशक प्रोफेसर सीपी मल ने दिया। इस अवसर पर फार्मेसी के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, डीएनएसएस कुशवाहा, रजिस्ट्रार असीम देव के अलावा शर्मिला सिंह, अनुजा सिंह, अरविंद कुमार, प्रशांत गुप्ता, अजय भूषण, रमेश सिंह, रणदीप शर्मा आदि उपस्थित थे। मेरी इन सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं इनको इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं कि आपने जो डिग्री प्राप्त की है, कुछ ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, कुछ ने सिल्वर, कुछ ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। आप जिस फील्ड में भी रहें, अपने फील्ड में सबसे बेहतर करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन। संकट मोचन पर छात्र छात्राओं द्वारा गरीबों में कंबल वितरण किया गया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली संस्था के छात्र छात्राओं द्वारा असहाय और वंचितों के बीच कंबल एवं नए पुराने ऊनी कपड़ों के वितरण का कार्य संकट मोचन मंदिर के आसपास किया गया। शैक्षणिक कार्य के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल प्रस्तुत की है। इस अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव एवं नारायण सिंह सहित संस्था के शिक्षक पवन सिंह, डॉक्टर संजू मालवीय, जनार्दन शर्मा, विनोद मिश्रा आदि उपस्थित थे। क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे लोग जो लोग थोड़ा वंचित हैं, गरीब हैं और उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है इस स्थिति से बचने के लिए, तो हमारे छात्रों ने ये सुझाव दिया और पहल करने के लिए आगे आए, तो हम लोगों ने उसको केवल एक नेतृत्व प्रदान कर दिया और आज प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं उनको इस तरह का सहयोग किया जाए, उन कपड़े और गर्म कपड़े दिया जाए। सब जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर जिला स्तरीय चयन ट्रायल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के समन्वय से सब जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता देवरिया जिले में 13, 14 व 15 जनवरी 2023 को आयोजित की जा रही है, जिसके लिए क्षेत्रीय खेल कार्यालय वाराणसी एवं वाराणसी कुश्ती संघ के समन्वय से जिला स्तरीय चयन ट्रायल 7 जनवरी शनिवार को हुआ। बालिका कुश्ती टीम की सूची इस प्रकार है। 40 किलो में वैष्णवी पटेल, 43 किलो में नेहा पाल, 46 किलो में खुशबू पटेल, 49 किलो में माला यादव, 53 किलो में रंजना यादव, 57 किलो में आरोही यादव, 61 किलो में वसुंधरा यादव, 65 किलो में प्रीति पटेल, 69 किलो में विजय लक्ष्मी मिश्रा, 76 किलो में कामिनी कनौजिया प्रथम स्थान प्राप्त की। सभी का मंडल स्तरीय ट्रायल 9 जनवरी 2023 को डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में लिया जाएगा। गाजीपुर चंदौली जौनपुर की भी टीम हिस्सा लेगी। यहाँ जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वह सभी महिला पहलवान देवरिया राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेगी। सब जूनियर बालिका वर्ग का जो है चयन ट्रायल था, जो कि 13 से 15 देवरिया में इसका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी है, उसके लिए बनारस जिले का आज ट्रायल था जिसमें 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और ये 40 किलो से लेकर के 76 किलो तक का है। अब इसका मंडल जो है 9 तारीख को सोमवार को यहीं पुनः 10 बजे से प्रारंभ होगा, उसके बाद मंडल की टीम जो है देवरिया में भाग लेगी। आज का ट्रायल बालक बालिका दोनों का या सिर्फ बालिका? नहीं, सिर्फ बालिका। कितनी बालिकाओं ने भाग लिया? इसमें लगभग 60-65 बालिकाएं थी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत, नमस्कार।
सच के साथ।